नमस्कार, नीतूस ट्रैवल डायरी में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरे पिछले वीडियो प्राग कैसल में मैंने बताया था कि हमारा पूरे दिन घूमने का प्रोग्राम है, तो कैसल के बाद हम चार्ल्स ब्रिज आए हैं। यहाँ भी टूरिस्ट की भीड़ पूरे साल होती है। चार्ल्स ब्रिज वल्तावा नदी के ऊपर है। किंग चार्ल्स फोर ने 1357 में इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन शुरू किया था और करीब 15वीं शताब्दी में यह ब्रिज तैयार हुआ था या इसका काम खत्म हुआ था। पीटर पार्लर जिन्होंने इस ब्रिज को डिजाइन किया था, इस ब्रिज को बनाने में करीब 45 साल का समय लगा था। यह ब्रिज 516 मीटर लंबा और करीब 10 मीटर चौड़ा है। इस ब्रिज का ऐतिहासिक महत्व होने की वजह से काफी टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं। प्राग सिटी वल्तावा रिवर के दोनों तरफ बसा है। उस समय में यह ब्रिज जो शहर को एक दूसरे से जोड़ता था, इसलिए उसी समय से इस ब्रिज का महत्व बहुत ज्यादा है। यहाँ ऐसे छोटे छोटे स्टॉल लगे हैं जहाँ से हम कुछ खरीद सकते हैं। आर्टिस्ट है जो स्केच बनाते हैं और कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर कोई म्यूजिक सुनाते हैं, इसलिए इस पर घूमना बहुत अच्छा लगता है। कई हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग भी यहाँ हुई है। शाम हो गई, हम पहुंच गए हैं नामेस्ती मिरू, जहाँ क्रिसमस मार्केट लगा हुआ है। क्रिसमस के समय में यूरोप में हर बड़े शहर में क्रिसमस मार्केट होते हैं, जिन्हें देखने अलग अलग देश से लोग आते हैं। प्राग में भी अलग अलग जगहों पर मार्केट है, उनमें से ये एक मार्केट है। इस तरह के क्रिसमस मार्केट प्राग के अलग अलग जगहों पर हैं। इस समय हम आए हैं वेंसेस्ला स्क्वायर पर, यहाँ भी क्रिसमस मार्केट है। और भी बहुत सी जगहों पर मार्केट लगे हुए हैं, लेकिन एक ही दिन में सब देखना संभव नहीं है। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।